1.5 साल हो चुकी हैं मुझे, तब पता चला तब मैं 3-4 दिन नहीं गया था। मैंने फिर पापा से कहा था मैं लेटरिंग करने नहीं गया अभी। फिर पापा ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी थी, उनसे कुछ फ़ायदा नहीं पड़ा। डॉक्टर दवाई दे देते हैं, अगर फ़ायदा हो तो फिर दोबारा आ जाना, नहीं हो तो फिर दूसरे पे दिखाना। तीनों टाइम रोटी खाता हूँ मैं तो, 22 आराम से खा जाता हूँ। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले आशीष हैं। ये पिछले 1.5 साल से शौच के लिए नहीं गए। ये थोड़ा अटपटा जरूर है लेकिन सच है। 16 साल के आशीष सुबह शाम खाने में करीब 12 से 14 रोटियां खाते हैं। उन्हें कोई बीमारी नहीं है, भूख भी समय पर लगती है, लेकिन आशीष शौच के लिए नहीं जाते हैं। ये सिलसिला करीब 1.5 साल का हो चुका है। करीब 1.5 सालों से आशीष शौच के लिए नहीं जाते। 1.5 सालों तक बिना शौच किए रहना शायद संभव नहीं है। यकीनन ये परेशान करने वाला है और सेहत के लिए खतरनाक भी। आशीष कहते हैं, हमने मुरैना से लेकर ग्वालियर और दिल्ली तक के कई डॉक्टरों को दिखाया है लेकिन इस बीमारी से मुक्ति उन्हें नहीं मिल सकी। आशीष के पिता मनोज चांदिल कहते हैं, हमें इस बात की जानकारी तब हुई जब आशीष 4-5 दिनों तक शौच के लिए नहीं गया। उसने हमें बताया कि मैं कई दिनों से शौच नहीं जा पा रहा हूँ। पहले तो हमें इस बात पर यकीन नहीं हुआ, फिर हमें लगा कि ऐसे ही होगा और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन, महीने और साल बीते गए लेकिन आशीष शौच नहीं जा पाया और अब तो 1.5 साल बीत चुके हैं और ये कब सही होगा ये कहना मुश्किल है। पहले शुरुआत में 2-4 दिन नहीं गया था तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत परेशानी आ गई होगी पेट के अंदर, लेकिन ये गया ही नहीं। इसने बताया मेरे को 8-10 दिन हो गए। फिर मैंने इनको डॉक्टर पर दिखाया, मुरैना दिखाया तो 10-15 दिन की दवाई दी उनने, दवाइयों से कोई राहत नहीं मिला। फिर मैं ग्वालियर गया, सेंगर साहब को दिखाया मैंने ग्वालियर, और सिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर सक्सेना जी हैं उनको भी दिखाया था मैंने, उनने भी दवाई दी, अल्ट्रासाउंड भी करवाया, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आया तो उनने नॉर्मली इलाज दिया, बोले ठीक हो जाएगा। जब से मैं कहीं ना कहीं इलाज करवाता रहता हूँ लेकिन आज तक ऐसे कोई राहत नहीं मिली। डॉक्टरों का कहना ये था कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं तो ये मतलब डॉक्टर मजाक भी कर जाते हैं कि भाई कहीं लड़का छिपाता तो नहीं है, लेकिन ये छिपाने की बात नहीं है, ये तो कोई भी नहीं छिपा सकता ऐसी बात को। लड़का समझदार है, बराबर का है, 16 साल की उम्र है उसकी, वो भी जानता है कि मतलब इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा। इलाज करवा चुके हैं, आज भी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा उपचार मिल जाए तो उसकी तबीयत सही हो जाए। क्या आगे और क्या सोचा है आपने? आशीष के पिता कहते हैं, हम लगातार आशीष को डॉक्टरों को दिखा रहे हैं लेकिन सही ट्रीटमेंट उसे नहीं मिल पा रहा है। अब इंतजार है उस डॉक्टर का जो इनका इलाज कर सके। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बनवारी गोयल कहते हैं, ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति कई सालों तक सोच न चाहे और चिंता रहे। इस पर यकीन करना मुश्किल तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई केस सामने नहीं आया, ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं। हालांकि समय रहते अगर उसका इलाज किया जाए तो व्यक्ति की जान बच सकती है, अगर ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें जान भी जा सकती है। मैंने आशीष नाम के एक पेशेंट जो 16 साल का है उसको 1 साल पहले करीब देखा था, और उसकी यही समस्या, उसके फादर यही कंप्लेंट लेके आए थे कि वो काफ़ी टाइम से फ्रेश होने नहीं गए। प्राइमरी तौर पर जो उसके पास जाँचें थी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड रिपोर्ट थी, उनको मैंने देखा था और उस आधार पर मैंने उन्हें प्राथमिक तौर पर दवाइयाँ दी थी। जो अमूमन मैंने उनके अभी तक के पर्चे देखे जैसा आपने बताया तो वही दवाइयाँ ग्वालियर वगैरह भी दी गई हैं, तो प्राइमरी तौर पे भी अपन ने वो दवाइयाँ दी और वो उसने ली, लेकिन उसके बाद वो फॉलोअप पे नहीं आए। ये जनरली बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत अधिक होने से बच्चों की समस्या होती है, हो सकता है कि कोई इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी हो जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और लिवर के डिसऑर्डर। इसके लिए अपन को कोई इंटेस्टाइनल बायोप्सी या लिवर मार्कर कराने की ज़रूरत होती है जैसा उनको फॉलोअप विजिट में लेना चाहिए था, बट चूंकि अभी तक उनने कोई भी फॉलोअप विजिट नहीं ली है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि वो किसी एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के और जो भी फर्दर जाँच की ज़रूरत होती है उसको वो कराएँ तो उससे उनको लाभ मिलने की संभावना है। अब सवाल ये है कि कोई व्यक्ति कितने दिनों तक बिना फ्रेश किए हुए रह सकता है। कई जांच और अध्ययनों से पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को सप्ताह में कम से कम 3 या 4 बार फ्रेश होने जाना जरूरी है, मगर इससे अधिक समय तक शौच के लिए न जाना कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और कुछ मामलों में तो मौत भी हो सकती है। फिलहाल आशीष को कौन सी बीमारी है
इस बात की जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि आशीष का सही तरीके से भी इलाज नहीं हो पा रहा है। आशीष के पिता मनोज कहते हैं उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो आशीष को बड़े हॉस्पिटल में दिखा सकें। उन्हें मदद की ज़रूरत है ताकि आशीष का अच्छी जगह इलाज कराया जा सके।